नमस्कार, मैं नील अग्रवाल, गवर्नमेंट स्कूल देवला बांसवाड़ा, फिजिक्स लेक्चरर। अभी प्रैक्टिकल के संबंधित कुछ भ्रांतियाँ चल रही हैं। अभी प्रैक्टिकल कैसे होंगे, अभी कोविड में तो स्कूल नहीं लग रहे हैं या अप्राय के कार्य नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। अब इस वीडियो को थोड़ा अंत तक देख लें, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या क्या संशोधन इस बार इसमें किए गए हैं। प्रायोगिक परीक्षा में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को भी चेंज किया गया है, यानी अंक जो है पहले जिस आधार पर दिए जाते थे उस आधार पर नहीं होंगे, उनका आधार बदल दिया गया है। तो इसको शुरू से ही मैं आपको सारी बातें बताता हूँ इसमें क्या क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि प्रैक्टिकल की क्लासेज जो है वो अब आयोजित की जा सकती है, लेकिन कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए। उसके लिए राज्य सरकार ने ये ऑर्डर मेरे हाथ में है, जो आदेश 1 दिसंबर में आए हैं, उसके अनुसार इस महीने से ही आप जो अध्यापक हैं वो बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए विद्यालय में बुला सकते हैं, लेकिन उनको ये ध्यान रखना होगा कि लैब कैपेसिटी से 50% विद्यार्थी ही लैब के अंदर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग की उचित पालना करें। जो भी कोविड के नियम हैं उनकी पालना करते हुए उनको 2 घंटे प्रायोगिक कार्य करने को मिले। फॉर एग्जाम्पल, लैब कैपेसिटी मान लो 20 की है अपनी, तो हम 10 बच्चों को अलग अलग दूर दूर, लैब के अंदर काफ़ी जगह रहती है, दूर दूर अपने उनको खड़ा करके प्रैक्टिकल जो वर्क है वो करवा सकते हैं। और रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाना है, इस दौरान फाइल जो है वो उनकी तैयार करवानी। इस आदेश के अनुसार हफ्ते में, सप्ताह में, 7 दिन में कम से कम एक बार एक विद्यार्थी को लैब में जाने का अवसर जरूर मिलना चाहिए, जिससे वो कम से कम एक प्रैक्टिकल एक हफ्ते में करके देख सकता है। और इस दौरान उन्हें जो सिलेबस में प्रैक्टिकल है उनमें से 10 प्रायोगिक कार्य उनको करवाने हैं। 10 प्रैक्टिकल जो मेजर प्रैक्टिकल है, फिजिक्स की मैं बात करूँ तो मेजर प्रैक्टिकल 10 प्रैक्टिकल उनको करवाए जाने हैं, जिनके लिए सप्ताह में एक बच्चे के पास एक बार, कम से कम एक बार लैब में जाने का अवसर मिले। ज़्यादा भी अगर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पालना वहां होनी चाहिए। और इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन मुख्य परीक्षोपरांत आयोजित होना प्रस्तावित है, कि प्रायोगिक परीक्षा जो है वो मेन परीक्षा होने के बाद में संभावित है, कि प्रायोगिक परीक्षा बाद में ली जाए, मेन परीक्षा पहले हो जाए। अब देखो बात आती है नंबर की, तो फिजिक्स की मैं बात करूं तो फिजिक्स में पहले क्या रहता था, मेजर प्रैक्टिकल 10 नंबर का था, जिसमें 10 नंबर का मेजर प्रैक्टिकल और 2 माइनर प्रैक्टिकल जिन्हें एक्टिविटी कहते हैं, क्रियाकलाप कहते हैं, 2 5-5 नंबर की वो थी। इस तरह से हुए 20 नंबर। 5 नंबर का वाइवा था, वाइवा मौखिक प्रश्न, बाकी 5 नंबर का रिकॉर्ड था, फाइल जो हम बढ़ाते हैं पूरे साल में एक एक प्रैक्टिकल करके, वो फाइल जो है वो 5 नंबर की थी। लेकिन इस बार क्या किया गया है, इस बार परिवर्तन करके 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होता है उसमें 15 नंबर फाइल के रखे गए, यानी रिकॉर्ड मेंटेन करने के 15 नंबर हैं। इसीलिए रिकॉर्ड का काम कंप्लीट करने के लिए, प्रायोगिक कार्य करने के लिए राज्य सरकार ने अभी निर्देश जारी कर दिए हैं, दिसंबर से ही विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रायोगिक कार्य के लिए बुलाया जा सकता है। उसके साथ कोविड-19 की गाइडलाइन की जरूर पालना जो है वो करनी होगी, यानी ऐसा नहीं है कि लैब में दक्षता से ज़्यादा बच्चों को वो, एफिशिएंसी से ज़्यादा बच्चों को वहाँ काम करना है, ऐसा नहीं है। जितनी आपकी लैब कैपेसिटी है उससे 50%, अगर 10 की कैपेसिटी है तो आपको 5 बच्चों को एक बार में प्रैक्टिकल कराना है, बाकी बाहर दूर दूर बैठ के अपना प्रायोगिक कार्य कर लेंगे रिटर्न में। और बाकी बचे 15 नंबर, तो बाकी जो कार्य है वो इन 15 नंबर के आधार पर होगा, यानी वाइवा प्लस प्रैक्टिकल एग्जाम होगा वो, प्लस उसमें माइनर प्रैक्टिकल होंगे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन बाद में दे दिया जाएगा, अभी नहीं दिया गया है, वो बाद में दे दिया जाएगा कि कितने कितने नंबर के मेजर प्रैक्टिकल होंगे, माइनर होंगे या नहीं होंगे, वो सब सूचना बाद में आएंगे। अभी जो शॉर्ट में जो सूचना, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, विद्यार्थियों को स्कूलों में बुलाकर प्रायोगिक कार्य करवाया जा सकता है, जिसके लिए उनको लैब कैपेसिटी से आधे विद्यार्थियों को लैब में जाने की अनुमति रहेगी, उन्हें
कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा और उचित मास्क की व्यवस्था उनको करनी होगी, मास्क लगा कर जाना होगा। प्रत्येक विद्यार्थी सप्ताह में एक बार उसको लैब में जाने का अवसर जरूर मिलना चाहिए। इसी के आधार पे उनके रिकॉर्ड जो है वो तैयार करवाने हैं। प्रैक्टिकल की संख्या 10 है, 10 प्रैक्टिकल आप इसमें करवा सकते हैं, ज़्यादा करवाने की आवश्यकता नहीं है। प्रैक्टिकल के फाइल के आधार पे 30 में से 15 नंबर इनके आधार पे दिए जाएंगे, बाकी 15 नंबर के लिए जो भी गाइडलाइन आएगी वो आपको मिल जाएगी या किसी भी माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद।